हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग पे। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं अमेजोन से मंगाया हुआ एक रिन्यू प्रोडक्ट। जी हाँ, ये एक रिन्यू प्रोडक्ट है। सो जैसे कि रिन्यू प्रोडक्ट होता है क्या, ये जो लोग यूज़ करके इसे वापस करते हैं या फिर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है उसे ये ठीक करके क्वालिटी चेक करके इसे भेजते हैं, उसे बोलते हैं रिन्यू प्रोडक्ट। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो एज़ यूजुअल पहले हम इसे सैनिटाइज करते हैं। तो ये सैनिटाइज हो चुका है और हम इसे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पे लाइक ठोक दे और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। और इस रिन्यू स्पीकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब अप डाउन होती रहती है, आप कभी भी इसे बाय कर सकते हैं। सो ये है हमारा न्यू रिन्यू प्रोडक्ट जो कि मैंने इसे अमेजोन से मंगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स की कंडीशन है वो काफ़ी मतलब ओरिजिनल टाइप की तो नहीं है, मतलब न्यू टाइप की नहीं है, ऐसा लग ही रहा है कि यूज़ किया हुआ है। तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं। बॉक्स के अंदर में हमें सारे कंटेंट मिलते हैं या फिर कुछ अलग अलग। वैसे मैं बता दूँ इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है अगर आप न्यू लेते हो तो ये आपको पड़ जाएगा लगभग 8500 के आसपास, लेकिन मैंने इसे ख़रीदा है 5700 रुपये में। हाँ जी हाँ, 5700 रुपये मैंने इसे ख़रीदा है। तो ये जो बॉक्स है ये ओपन हो चुका है। तो हमें बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलता है और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसे साइड में करते हैं, इसे अब देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। सो ये है हमारा मेन जो है स्पीकर और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता। ये जो बॉक्स, ये भी बॉक्स है, वो काफ़ी पीछे से टूटा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमेज़ोन को इसमें और भी सुधार करनी चाहिए। जो रिन्यू प्रोडक्ट है वो ऐसे ही नहीं भेजना चाहिए। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, काफ़ी भारी है ये। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 वीक मिल जाता है बना हुआ और यहाँ एक रबड़ाइज मटेरियल बना हुआ है जो काफ़ी छूने में काफ़ी सॉफ्ट है। और इसके लेफ्ट और राइट साइड में आपको 2 पैसिव रेडिएटर दिए गए जो कि बेस को काफ़ी एनहेंस करता है। यहाँ JBL की ब्रांडिंग दी गई है। और पीछे साइड देखें तो यहाँ आपको हैंग करने के लिए एक स्ट्रैप मिलता है और फ्लिप 5 की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पावर ऑन बटन है और ब्लूटूथ का मोड का बटन है। यहाँ पे आप बैटरी इंडिकेटर चेक कर सकते हैं, बैटरी लेवल कितना है। और यहाँ टाइप सी चार्जिंग के लिए दिया गया है। मैं बता दूँ कि ये जो स्पीकर है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें आपको 15 वाट इनपुट मिल जाता है और ये जो 15 वाट की स्पीड से चार्ज होता है। और ऊपर साइड देख ले, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस प्ले पॉज और पार्टी मोड मिलता है जिससे आप अप टू 100 स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको एक सिंगल स्पीकर मिलता है 20 वॉट का और इसमें आपको कोई 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है जिससे आप वायर्ड के थ्रू इसे ऑडियो प्ले कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, ना ही आपको इसमें कोई माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है। तो इससे आप इस स्पीकर के थ्रू आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसे हम कनेक्ट करते हैं। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट चल गया है और मैं अपने फोन से ब्लूटूथ मोड पे जाता हूँ, फिर न्यू डिवाइस और मैं यहाँ से ब्लूटूथ मोड को ऑन करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ JBL Flip 5 करके आ गया है। अब यहाँ पे क्लिक करके इसे पेयर करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेयर हो चुका है। Oh, 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 oh
Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So, जैसा कि आपने अभी इसका साउंड सुना, साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है. ये लगता ही नहीं है कि यूज़ किया हुआ है. जैसे कि आप क्या बताऊँ, आप देखिए इसको, कोई जरा सा भी स्क्रैच नहीं है, ना कोई गंदा है, कुछ भी नहीं. ऐसा लग रहा है कि मेरे को न्यू प्रोडक्ट मिला. बस इसमें मेरे को यूज़र मैनुअल नहीं मिला, इसका चार्जिंग केबल नहीं मिला. नहीं, कोई बात नहीं, मेरे घर पे है टाइप सी केबल, मैं उसे चार्ज कर लूँगा. अगर आप सोच रहे हो कि एक न्यू प्रोडक्ट अमेजोन से बाई करने के लिए, तो यू मस्ट हैव. बहुत अच्छा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप जैसे देख सकते, एक जरा सा भी स्क्रैचेस नहीं है इसमें, पूरा न्यू है. सो अगर आप सोच रहे हैं बाई करने के लिए रिन्यू प्रोडक्ट, तो आप ज़रूर इसके लिए जा सकते हैं. तो अब बात करें इसकी साउंड आउटपुट की, तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 20 वॉट का स्पीकर है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे ये लगता है कि जो स्पीकर है 20 वॉट से ज़्यादा का लगता है. लेकिन अगर जो साउंड की जो क्वालिटी, इसकी जो आउटपुट है, इसकी काफ़ी अच्छी है. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भी मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं. अगर जैसे कि बेसिकली आप कोई दूसरे स्पीकर को देखोगे, आप उसे पूरे फुल वॉल्यूम पे कर दोगे, तो उस पर क्या होता है कि जो आवाज़ है वो फटना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन देना शुरू कर देता है वो. लेकिन ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है, कोई आवाज़ में से कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप सोच रहे हैं इस स्पीकर को बाय करने के लिए, तो मेरे ख्याल से आपकी चॉइस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे जो लगा है वो बहुत अच्छा स्पीकर है. हाँ, भले ही ये जो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये 8500 का है एक न्यू प्रोडक्ट, बट अगर आपको अमेजोन पे इसका रिन्यू आइटम मिलता है लगभग 5000-6000 के बीच में, तो आप इसे ज़रूर बाय करें. अगर आप सोच रहे हैं कि बढ़िया स्पीकर बाय करने के लिए, तो ये स्पीकर आपके लिए बहुत अच्छा है. देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में.